तो यो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू दी चैनल, जहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे फ्री फायर के अंदर आने वाला आप लोगों का जो OB34 अपडेट है, उसके अंदर जो कौन से कैरेक्टर्स हैं उनमें आपको चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। आज हम लोग उसी के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत सारे कैरेक्टर्स है, 9 कैरेक्टर्स के अंदर चेंजेस होने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहो, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई। स्काइलर, क्रोनो, स्टेफी, A to Z 9 कैरेक्टर के अंदर आपको चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। तो भाई देखते रहो वीडियो को लास्ट तक, प्लीज सब्सक्राइब कर देना ऐसा वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो चलो बिना किसी देरी का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो, सबसे पहले जो कैरेक्टर के अंदर आप लोगों को चेंजेस देखने को मिलेगा वो होगा आपका स्काइलर। स्काइलर के अंदर आपको कौन सा चेंज देखने को मिलेगा, इसका जो कूल डाउन टाइम आप देख सकते हो, उस कूल डाउन टाइम के अंदर आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। जिसका कूल डाउन टाइम पहले 85 का था लेवल 1 पे, वो अभी जो है ये जो OB34 के बाद आप लोगों का जो है 60 सेकेंड का हो जाएगा यहाँ पे, मतलब बढ़ जाएगा। देखा जाए तो बढ़ जाएगा कूल डाउन टाइम, पहले 60 सेकेंड का था, अभी जो ये है मतलब 85 सेकेंड का हो जाएगा। मतलब इसका जो एबिलिटी है वो डिक्रीज हो रहा है कहीं ना कहीं, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 60 सेकेंड के अंदर जो है आप लोगों का कूल डाउन होगा। पहले 40 सेकेंड के अंदर कूल डाउन होता था लेवल मैक्स पे, अभी ये 60 सेकेंड के अंदर होगा। ठीक है, तो ये आप लोगों का स्काइलर कैरेक्टर के अंदर आपको चेंज देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर के बारे में। उसके बाद जो आप लोगों का कैरेक्टर है वो है स्टेफी। तो भाई स्टेफी के अंदर भी कूल डाउन टाइम का ही चेंज होगा। ये क्या मजा आ गया भाई, इसके अंदर भी कूल डाउन टाइम का चेंज होगा। सो यहाँ पे कूल डाउन टाइम 90 सेकेंड्स का होता था पहले, अभी वो 60 सेकेंड्स का हो जाएगा, मतलब कम मतलब बढ़ जाएगा। अच्छा सही है भाई, इसका इंक्रीज हो रहा है थोड़ा सा। ठीक है चलो, इसका कूल डाउन टाइम जो है वो टाइम जो है कम हो जाएगा, मतलब जल्दी कूल डाउन हो जाएगा, 60 सेकेंड के अंदर कूल डाउन हो जाएगा मैक्स लेवल पे, तो काफी सही है। बात करते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर के बारे में। अब यार सबके अंदर कूल डाउन का चेंज है क्या भाई, क्लू के अंदर भी कूल डाउन का अपडेट है भाई, ये क्या मजा आ गया भाई। कूल डाउन टाइम हो जाएगा यहाँ पे 50 सेकेंड का, मतलब मैक्स लेवल पे 50 सेकेंड का हो जाएगा, पहले मैक्स लेवल पे 60 सेकेंड का होता था, अभी मैक्स लेवल पे वो 50 सेकेंड का हो जाएगा, तो ये भी बढ़ रहा है। तो ये है आपका क्लू के अंदर, OB34 के अंदर, मतलब इसके अंदर भी कूल डाउन टाइम का अपडेट है भाई, सबके अंदर कूल डाउन टाइम का अपडेट है क्या भाई। चलो नेक्स्ट कैरेक्टर के अंदर देखते हैं भाई। लॉल भाई, A124 के अंदर भी कूल डाउन का अपडेट है भाई, स्कैम भाई, मैं क्या देख रहा हूँ ये। इसका जो कूल डाउन टाइम है वो बढ़ जाएगा, मतलब कम हो जा मतलब डिक्रीज हो रहा है इसका एबिलिटी। तो देख सकते हो कूल डाउन टाइम पहले जहाँ पे मैक्स लेवल पे 50 सेकेंड का होता था, अब ये जो है वो 60 सेकेंड का हो जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा, मतलब इसका एबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो रहा है। तो ये आपका A124 के अंदर अपडेट है भाई। नेक्स्ट कैरेक्टर भी मुझे लग रहा है कूल डाउन टाइम का कुछ चेंज करेंगे, देखते हैं चलो। अब ये मिशा जो है, मिशा के अंदर भी चेंज होगा। मिशा का जो आपका एजिलिटी है वो पहले लेवल मैक्स पे 20 का होता था मैक्सिमम, तो वो अभी 10 का हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा, मतलब मिशा का एबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो रहा है। और उसके अलावा जो आप लोगों का डैमेज रिडक्शन वाला है, डैमेज टेकन इज डिक्रीज, जो गाड़ी पे इसका यूज करते हो ना आप लोग, तो वही कैरेक्टर है ये, तो उसका जो है ना ये डिक्रीज हो जाएगा। तो पहले था यहाँ पे 30 का मैक्स लेवल पे, अभी वो 20 का हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा, मतलब मिशा का जो एबिलिटी है वो डिक्रीज हो रहा है कहीं ना कहीं। हाँ भाई, इसका एबिलिटी भी डिक्रीज हो रहा है, मतलब मिशा तो अब कोई काम की लग रही नहीं है मेरे को। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, फ्री फायर वाले कोई अच्छे कैरेक्टर को अच्छा रहने नहीं देते, ये तो हमको ही पता है। मैं क्रोनो का आपको बताता हूँ, और भी एक कैरेक्टर, दो तीन कैरेक्टर्स है उनका भी मैं आपको दिखाता हूँ। चलो उसके बाद जो आपका कैरेक्टर है वो है केंटा कैरेक्टर। तो इसके अंदर आप लोगों का जो कूल डाउन ड्यूरेशन होता था, तो ड्यूरेशन पहले लेवल 1 पे 2 का होता था, अभी लेवल 1 पे वो 4 का हो जाएगा। और इसका जो आप लोगों का कूल डाउन टाइम है वो यहाँ पे होता था मैक्स लेवल पे 160 का, जो कि मैक्स लेवल पे अभी 80 का हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो कूल डाउन बहुत जल्दी हो जाएगा केंटा कैरेक्टर के अंदर। तो ये है इसका एबिलिटी का चेंज, तो काफी ठीक ठाक है इसके अंदर, अभी इसका एबिलिटी इंक्रीज हो रहा है, तो ये भी ठीक है चलो। तो उसके बाद आप लोगों का जो कैरेक्टर है वो है नाइडी कैरेक्टर। नाइडी कैरेक्टर के अंदर आप लोगों का जो डैमेज है वो पहले मैक्स लेवल पे 25 का होता था, अभी वो जो है 35 का हो जाएगा, तो नाइडी के अंदर आपको ये चेंज देखने को मिलेगा। अब लास्ट कैरेक्टर हमारा बात करते हैं भाई क्रोनो के अंदर। भाई हमेशा एक दो अपडेट के बाद ही चेंजेस क्रोनो के, भाई हमेशा कुछ ना कुछ लगता है, इस बार क्या लगा है इनका देखते हैं। ओ, इस बार कुछ इंक्रीज हुआ है। तो भाई क्रोनो के अंदर आप लोगों का जो कूल डाउन टाइम है वही, इसके अंदर भी कूल डाउन टाइम, भाई ये क्या मजाक चल रहा है भाई, सबके अंदर कूल डाउन टाइम तुम जो है कम कर रहे हो, किसी के अंदर ज्यादा कर रहे हो,
ये क्या मजाक है, क्रोनो का पहले 120 सेकंड का कूल डाउन टाइम होता था दोस्तों, अभी वो 100 का होगा लेवल मैक्स पे। तो ये थे आप लोगों के सारे कैरेक्टर्स के अपडेट। 9 कैरेक्टर्स का मैंने आपको दिखाया, टोटल 9 कैरेक्टर्स के अंदर आप लोगों को अपडेट देखने को मिलेगा, कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। मैक्सिमम तो वही कूल डाउन वाला देखा मैंने, बाकी और कुछ मिशा वगैरह नारी के अंदर आपको अलग देखने को मिलेगा। तो यस दैट्स इट फॉर द वीडियो, वीडियो अच्छा लगा लाइक कर देना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। भाई सबके अंदर मैक्सिमम कूल डाउन टाइम का ही कुछ अपडेट आया है, तो क्या कर सकते हैं आप, कुछ नहीं कर सकते। ये आपके सारे के सारे OB34 अपडेट पक्का आने वाला है, तो उसके अंदर आप लोगों को ये सारे के सारे चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। तो दैट्स इट, पक्का OB34 अपडेट आने वाला है, मैं आपको डेट पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, जाकर देख लो। ठीक है दैट्स इट फॉर द वीडियो, मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड बाय एंड पीस आउट। We'll be right back.